सुंदर चेहरों के आधार पर इस देश के लोगों से वोट नहीं लिया जा सकता है। जी डर तो नहीं लगता, बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगा। जी हाँ, राजनीति में प्रियंका गांधी का वेलकम हो गया है। 23 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाने की घोषणा की थी, और अब 4 फरवरी को प्रियंका गांधी अमेरिका से बेटी का इलाज करवाकर लौटी तो उनकी सियासत का कमरा तय कर दिया गया। लोकसभा चुनावों से चंद महीने पहले 23 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी छोटी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को नियुक्त किया कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव और जिम्मेदारी दी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, जहां गढ़ माना जाता है योगी आदित्यनाथ का, जहां से सांसद बनकर आते हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम की नेम प्लेट भी लग गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर के तमाम अरसे से कयास लगाए जा रहे थे कि कब राजनीति में आएंगी, वो अब पर्दा उससे उठ चुका है और अब कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी का कमरा भी तय हो गया है। ये कमरा पहले राहुल गांधी का हुआ करता था जब वो पार्टी के महासचिव थे, पार्टी के उपाध्यक्ष बने, और उसके बाद राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो सोनिया गांधी का कमरा जो कांग्रेस अध्यक्ष का कमरा था वो राहुल गांधी को अलॉट हो गया, और राहुल गांधी के ठीक बगल का कमरा प्रियंका गांधी वाड्रा को दे दिया गया। अरसे तक राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये कमरा खाली रहा। प्रियंका गांधी के पहले राहुल गांधी और उसके पहले ये कमरा कभी कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी के करीबी जनार्दन द्विवेदी का हुआ करता था, और एक तरफ राहुल गांधी के प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरा है तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के अहम सिपहसालार सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते, उनके राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल का कमरा है जो कि कोषाध्यक्ष हैं, और बीच में कांग्रेस मुख्यालय के ठीक बीच में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कमरा है। तो देखा आपने, कांग्रेस की महासचिव नियुक्त की गई प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली के 24 अकबर रोड पर बने कांग्रेस मुख्यालय में ठीक राहुल गांधी के बगल वाला कमरा दिया गया है। उनके कमरे पर नेम प्लेट भी लगा दी गई है। जैसे ही प्रियंका गांधी विदेश से लौटी, कांग्रेस में सियासी हलचल एकदम तेज हो गई। प्रियंका के लिए राजनीति का रेड कार्पेट तैयार कर दिया गया है, लेकिन विरोधियों ने प्रियंका का वेलकम किस तरह से किया, अब जरा वो भी सुन लीजिए। जो हालत है पूरा भारतवर्ष में बेहाल होके रखा है, और जिस तरह से हम रामायण में सुने कि राम को और लक्ष्मण को फंसाने के लिए जैसे रावण ने सर्पनखा को भेजा था, उसी तरह आज प्रियंका गांधी भी सर्पनखा जैसा आज यूपी में प्रवेश किया है और कांग्रेस को बचाने के काम करने में लगा हुआ है। देखिए, बीजेपी तो बार बार जो बोल रही है, अगर प्रियंका गांधी कुछ नहीं होती तो बीजेपी बोलती ना, प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रियंका गांधी पे कमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी प्रियंका गांधी से डरे हुए हैं। बोतल और बोतल की जिंदगी जीने वाले लोग, होटल और बोतल में निवास करने वाले लोग भारतीय संस्कार की रक्षा नहीं कर सकते। हम आपको बता दें कि अमेरिका से लौटने के बाद प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके तुगलक रोड स्थित आवास पर मुलाकात की। अब कांग्रेस के सूत्रों से खबर आ रही है कि 2019 लोकसभा चुनावों की रणनीति तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी दिल्ली में ही पार्टी के महासचिवों और अलग अलग राज्यों के प्रभारियों के साथ बैठक करेंगी, तो राहुल गांधी ने शनिवार यानी 9 फरवरी को दिल्ली में ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं की बैठक भी बुलाई है ताकि चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की जा सके। यानी राजनीति में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आते ही विरोधियों में खलबली सी मच गई है। कांग्रेस को यह अधिकार है कि वह किसको रखें किसको न रखें, लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस ने फिर एक बार साबित किया है कि उनके लिए एक परिवार ही पार्टी है। देखिए, एक बात आज तय हुआ है और हम बधाई देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को। सार्वजनिक रूप से जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी जो उनके वर्तमान के अध्यक्ष हैं उनके नाकामी को घोषित किया है कि राहुल गांधी जी फेल हो गए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को अब प्रियंका जी जो उनके परिवार से ही है उनकी बैसाखी की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी क्यों लाई है समाजवादी बसपा, अगर जो भाजपा के विरोध की बात करते हैं, कांग्रेस भाजपा के विरोध की बात करते हैं, तो अगर समाजवादी और बसपा भी कांग्रेस पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं ले रही है, तवज्जो नहीं दे रही है, तो आज जब कांग्रेस पार्टी से जिसके साथ गठबंधन की बात थी पिछले 2017 चुनाव में राहुल और अखिलेश ने एक साथ गठबंधन बनाया था, तो जब वो उनको महत्व नहीं दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन सी घबराहट है।
लेकिन कांग्रेस में प्रियंका गांधी के चाहने वाले कम नहीं है। प्रियंका के पार्टी महासचिव बनते ही कांग्रेस तो जैसे गुल से गुलाब हो गई है। I think I've read in the media that oh, this is a decision that has been taken over the last 10 days. Actually, this decision was taken some years back. I've been having a discussion with my sister about her joining politics, and her pushback to me was that my children are very young and I need to spend time looking after them. Her main job, as we have sort of discussed, is to help revive the Congress party idea in Uttar Pradesh. Yeah. ये जो बीजेपी वाले या और कोई बोल रहे हैं, ये इनकी हड़बड़ाहट है, इनके पास तोड़ नहीं है। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है कि प्रियंका जी गेम चेंजर बन के सामने आए। तो ये नई हमारी 21वीं सदी में की इंदिरा जी है, और वो वैसे ही इंदिरा जी से प्रियंका जी काम करेगी, और उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें आएगी, आप देखते रहिए। प्रियंका गांधी के आते ही कांग्रेस को जैसे सुपर पावर मिल गई है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक हर कोई उत्साहित है। प्रियंका की राजनीति में एंट्री से ही ढोल बजने शुरू हो गए। सुप्रिया भारद्वाज के साथ कुमार विक्रांत, दिल्ली